गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को राम राम और एक नए सुबह के साथ नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस सवेर हो गया, मैं उठ गया हूँ, अभी वो बज रहा है 4:30 और आज हमको निकलना है आगरा, तो इसलिए मैं जल्दी उठ गया हूँ। बच्चे भी जाता हूँ, बच्चों को उठाता हूँ और फिर मैं निकलता हूँ आगरा और वहाँ का रेड फोर्ट जो हमारा घूमने का प्लान है, तो मैं फटाफट रेडी होता हूँ और रेडी होने के बाद फिर वापस आपको यहीं से मिलता हूँ। अपना वीडियो में बने रहें। तो गाइस मैं आ चुका हूँ, नहा धो के रेडी चलने के लिए तैयार हूँ। आप देख सकते हैं पीछे बिल्कुल जोर शोर से तैयार चल लेंगे। एक बैग देन सेकंड बैग एंड देन थर्ड बैग, तीन बैग रेडी हो चुके हैं। दुबो रेडी हो गए चलने के लिए? रेडी है बस, ये भी रेडी हो चुका है। बाकी एक बेटी हमारी और घर वाले को थोड़ा टाइम लग रहा है मिस्टर सुख तैयार होने में, वो भी थोड़ी देर में तैयार होंगे, हम फिर यहाँ से सीधा निकलेंगे। आप लोग वीडियो बने रहें। ये देखो एक मैडम जी हमारी आ चुके हैं तैयार होने के लिए, जल्दी आ जाओ। ओके सर, वेलकम। जल्दी जल्दी से खाने हम निकल रहे हैं। ध्रुव सिंह ने बैग अपना पकड़ लिया है, बेटी भी पकड़ लिया, मैडम जी अब वाला बैग पकड़ेंगे। चलो उठाओ, हम जा रहे हैं। मोना बाय कर दे एक बार, मोना बाय बोला बाय। सब सामान लेके आते हुए ये तोड़ते हुए बच्चे लगे पड़े यहाँ बहुत सारे। तसला भर लिया मूंगफली से, मूंगफली का पेड़ देखो, पेड़ नहीं देखा है कैसा होता है मूंगफली का पेड़। ये देखो मूंगफली का पेड़ ही है और नीचे उसे मूंगफली रखी चढ़ा हुआ, इतनी सारी मूंगफली है। अभी बैठे हैं हम खटीमा रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से थोड़ी देर में ट्रेन आने वाली है, तो हम ट्रेन में जाएंगे। दोपहर से ट्रेन के इंतजार में, दोपहर से ट्रेन के इंतजार में है और ये शख्स मोबाइल में ध्यान लगा लिया है। तो आप अपनी वीडियो बने हुए, हम ट्रेन में बैठ के जल्दी से वापस आते हैं। फाइनली ट्रेन आ चुकी है, ट्रेन से जाएंगे हम सीधा बरेली और बरेली से फिर बाई बस निकलेंगे हम आगरा के लिए। तो यह है खटीमा का रेलवे स्टेशन। तो हम बैठ चुके हैं ट्रेन में और बरेली के जा रहे हैं। ये सरला चौहान हमारी और ये दुब्बू सिंह, खटीमा को बाय बाय। तीन दिन के बाद हम फिर खटीमा आएंगे, तब तक के लिए खटीमा को करते हैं टाटा। इनको हेलो दुब्बू सिंह, आप कहाँ जा रहे हो? बरेली। उसके बाद आगरा। तो जन शताब्दी ट्रेन के अंदर बढ़िया देखिए लंच करने के लिए भी है, बढ़िया फर्स्ट क्लास प्लेट। तो आप चाहे लंच कर सकते हो या अपना टैबलेट या मोबाइल रख सकते हो उसके ऊपर, और अगर यूज नहीं तो आप उसको दैन फोल्ड कर सकते हो ऊपर। तो ये चीज़ अच्छी दे रखी है, ये चीज़ अच्छी है। और तो पैर रखने के नीचे बढ़िया ये लग स्टैंड दे रखा है। और यह है इस जन शताब्दी ट्रेन का व्यू अंदर से, जो कनकपुर से बरेली होते हुए दिल्ली जाती है। तो दोस्तों ये है हम बरेली पहुंचने वाले हैं और ये है बरेली का इज्जत नगर रेलवे स्टेशन। अगर आप देख सकते हैं कितनी सुंदर कलाकृति की गई है। ओके शरिया तेरा इश्क है ये सभी घूम से वहाँ पे आना बैठे ट्रेन में, बरेली पहुँचने वाले थोड़ी देर में। आप तो वीडियो बने रहे और वो तो बैठी हमारी एंजल बेटी वाला मस्त है, अलग मस्त है, तो हम तो मस्त ही हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुँच चुके हैं बरेली के रेलवे स्टेशन, बरेली जंक्शन में, और यहाँ से हम हमारी ट्रेन है रात की, तो हम शाम तक वेट करेंगे और आप लोग वीडियो बने रहें, मिलते हैं हम शाम को। उसी बरेली स्टेशन से आगे दौड़ लगाता हुआ, अब दोपहर की मम्मी बचा उठाकर इसी जान निकली, एक छोटा बैग पकड़ने में देख सकते हैं। आ चुके हैं हम बरेली और अब जा रहे हैं हम मामा जी के यहाँ, मामा जी का रेस्ट करेंगे और फिर शाम को निकलेंगे यहाँ से। हम फाइनली बरेली मामा जी के यहाँ पहुँच चुके हैं और अब हम करेंगे थोड़ा रेस्ट, घर में थोड़ा व्यस्त फैल अपनी दिवाली के चक्कर से। तो हम शाम को निकलेंगे यहाँ से आगरा के लिए, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें।
हम मिलते हैं शाम को जब हम बस में बैठेंगे यहाँ से आगरा के लिए, तो मिलते हैं। मैडम भी थोड़ी थक गई हैं तो थोड़ा वो रेस्ट कर देंगे। और दुब्बू बेटा हमारा उधर घूम रहा है, उधर पर्स देख रहा है अपना फोन के। चलो मिलते हैं फिर, आपको वीडियो बने रहे। हम पहुँच चुके हैं बरेली के बस अड्डे में और यहाँ से है बस हमारी आगरा के लिए। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहे, हम कल सुबह पहुँचेंगे आगरा और आगरा में पहुँच के हम आपसे मिलते हैं। जो हमारे संगी है दोपहर, हम कहाँ जा रहे हैं? तो गाइस फाइनली हम आगरा पहुँच गए हैं और ये हमारा होटल के बाहर का व्यू है, आप देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में यहाँ से तैयार होकर निकलेंगे ताजमहल के लिए। नींद पूरी हो चुकी हुई नहीं है, थकाई भयंकर लगी पर लेकिन जाना है। और ये हमारा रूम, सब चाय पी रहे हैं बैठ कर के। श्रीमती जी चाय पी रही है, दुब्बू सिंह वहाँ सो रहा है, वो देखो। एंजना जग चुकी हैं और एंजना की नई फ्रेंड सानू जी खांसते हुई बाकी सब चाय पीते हुए। एक ये एक ये समीर टैगोर बैठा है चाय पीते हुआ सानू के दांत दिखते हैं, देखो बड़ा सभी लोग देख लो। चलिए आप लोग ब्लॉग बने रहे, हम मिलते हैं थोड़ी देर में। आज हमारे हमने मंगाए आलू के पराठे और पूरी और थी हमारे पास आलू की सब्जी। ये हमने अभी नॉर्मल डाइट ली है, नॉर्मल ब्रेकफास्ट किया है, इसके बाद दिन में करेंगे कुछ स्पेशल आगरा का कुछ अगर मिलता है। तो अपने ब्लॉग बने रहे, मिलते हैं हम थोड़ी देर के बाद। जब ये हो चुके हैं रेडी और ताजमहल वहाँ से निकल रहे हैं, गाड़ी आने वाली है और हम सीधे ताजमहल जाके मिलते हैं। वैसे कह रहे हैं कि वहाँ पर यार मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मोबाइल के अंदर एंट्री करूँ और जितना हो सके मैं आपको वहाँ के जो दृश्य हैं जो फोटोज हैं वो दिखाऊँगा, आपको शूट करूँगा। तो आप लोग वीडियो बने रहें और आपको चलिए आज मज़ा आने वाला है ब्लॉग में, आप तो बन रहे हैं वीडियो में, मिलते हैं और हम होटल से निकल रहे हैं। फ्रेंड्स हम जा रहे हैं पहले रेड फोर्ट, तक किया है 3 भैया टुक टुक और ये पीछे वाली पार्टी बैठी है, देखो ये धूप सिंह चश्मा लगा के बैठा है, हीरो हीरोइन बन करके। ये अंकल जी हमारे और ये है शानू, है शानू सारे बच्चा बड़े एक्साइटेड हैं और इसको दिखाया जाएगा यहाँ का लाल किला कैसा है। और तो बच्चों की मम्मी भी बड़ी एक्साइटेड है क्योंकि आज चाय पहली बार आ रही है। तो मिलते हैं हम सीधा रेड फोर्ट में, गाइड मिलेगा हमको। आगरा फोर्ट मात्र 1 किलो रहेगा यहाँ से। आज ये बाउंड्री है, इसके ताज व्यू इनक्लेव। आज ये है रेड फोर्ट, बस कुछ ही पल में पहुँचने वाले हैं। ये है महाराणा प्रताप द्वार चौक, हो गया महाराणा प्रताप चौक है ये है आगरा का महाराणा प्रताप चौक, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये यहाँ का रेड फोर्ट, ये है पार्किंग यहाँ की। तो आपको जैसे आना है तो सीधा वो यहाँ महाराणा प्रताप चौक पर आए, क्योंकि यहाँ पे एक आर्मी कैंट का गेट भी है, तो वहाँ से किसी को जाने नहीं देते हैं। यह है गाइस महाराणा प्रताप चौक, देख सकते हैं यहाँ का एंट्रेंस रेड फोर्ट का, आप देख सकते हैं। यह यहाँ का मेन एंट्रेंस महाराणा प्रताप चौक से अंदर आप जाते हुए। तो गाइस यह है यहाँ का रेड फोर्ट महाराणा प्रताप चौक के जस्ट सामने है। ये यह यहाँ का मेन गेट, यहाँ पे सबसे पहले होती है इंडिविजुअल की चेकिंग, क्योंकि कोई अनफाइज चीज़ तो लेकर के नहीं आ रहा है। और उसके बाद यह है मेन एंट्रेंस का, यहाँ पे टिकट वगैरह चेक होता है। तो आप टिकट लेके यहाँ पे आप चेक करें, उसके बाद आपकी एंट्री हो जाती है। यह यहाँ का आर्टिकल जो मुगल सम्राट के, कितना शानदार है देख सकते हैं आप। एंट्री होती है यहाँ पे, टिकट चेक होते हैं, इसके बाद ही आप आगे जाओगे। और हम यहाँ से हो चुके हैं फिलहाल आउट। और यह है सेकंड गेट, वहाँ पे इंडिविजुअल चेकिंग होती है कि कहीं उसने हमें कोई अनफाइज सामान तो कैरी नहीं किया है। तो आपको रेड फोर्ट में एंट्री करने के लिए 2 गेट पास करने पड़ेंगे। नंबर 1 गेट हो गया आपका, जहाँ पर आपकी इंडिविजुअल चेकिंग होगी। उसके बाद सेकंड गेट है जहाँ पे आपका टिकट चेक होगा, इसके बाद ही आप अंदर एंट्री कर पाएंगे। यहाँ का मेन गेट जहाँ पे टिकट चेक होता है, और टिकट चेक होने का हम यहाँ से एंट्रेंस है एंट्री करते हैं। आप देख सकते हैं आउट स्ट्रीट में सैलानी यहाँ पे आए हुए हैं मेन गेट के पास एंट्री करने के बाद। आप फिर जब एंट्री होती है उसके बाद अंदर आ सकते हैं।
यहाँ का एक ऐसा किला है ये जिसको आज हमें भेज नहीं पाया। मुगल समाचे बनाओ किला है, आप आए एक बार देखते हैं आप बाहर के सैलानी आते हुए यहाँ लाल किले में जो हमें रेड फोर्ट में है। फाइनली हमने एंट्री कर ली है रेड फोर्ट के अंदर। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीन गेट पड़ते हैं। सबसे पहले टिकट काउंटर, फिर इंडिविजुअल चेकिंग काउंटर, उसके बाद लगता है फिर मेन टिकट काउंटर जहाँ पे चेक होता है टिकट, उसका एंट्री होती है। तो हमने तीनों गेटों क्रॉस कर दिया है। हमने तीनों गेट क्रॉस करके अभी हम एंट्री कर चुके हैं। ये हमारा ये रास्ता सीधा जाता है आपका मैंने उसके अंदर की तरफ, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आप कंटिन्यू देखें, बिना स्किप करें आप बने रहें। मैं आपको अभी इसके बाद हम जाएंगे ताजमहल, तो ताजमहल के बाद मैं विदा कराऊंगा, तो आप वीडियो बने रहें। मैन किला आप देख रहे हैं भीड़ कितनी ज़्यादा है यहाँ पे, और यह है इसका इतिहास, इस पर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। यहाँ के बीवी के रूम एंड विवाह के यहाँ जो जो लोकल वो खोले गए हैं ऑफिस। यह है यहाँ का मोए गार्डन, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी घास, कितने प्यारे फूल लगे हुए हैं। तो गाइस आप लुत्फ उठाएं, मैं आपको इस ब्लॉग के माध्यम से पूरे लाल किले के दर्शन करवा दूंगा आपको घर बैठे ही। आप ब्लॉग में बने रहें, देख सकते हैं कितना प्यारा मकबरा है यहाँ का। अभी मैं आपको इसके अंदर से ला करके भी दिखाऊंगा इसका जो पहले जाने लोग का लगाई करते थे। भीड़ देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो यह है बावली दीवान आम, देख सकते हैं कितना गहरा कुआं है ये, देख सकते हैं आप कितना गहरा ये। हेलो हाय, आवाज़ बैक आती है। राजा रतन सिंह जी की हवेली आप देख सकते हैं, ये है इनका मेन गेट एंट्रेंस गेट, और ये रोड आती है उधर से सीधा आप आओ तो आपको सीधा ये रतन सिंह हवेली में लेकर के आएगा, ये गेट हो गया तो आप देख सकते हैं। तो गाइस ये है रतन सिंह जी की हवेली जो मैंने आपको दिखा दिया, यह है उनका मेन गेट, मेन एंट्रेंस गेट है, और इस गेट के उस पार उनकी हवेली थी। यह है दीवाने खास जहाँ पे बड़ी बड़ी सभाएं हुआ करती थी पुराने जमाने में, यहीं बैठ के सभाएं हुआ करती थी। देख सकते हैं कितना प्यारा दृश्य है यहाँ दीवाने खास का। देखिए यहाँ पे ये बेचारी मुमताज की बहन जो बिछड़ गई हैं, उन्होंने अपना आशियाना जमा लिया, बेचारी बैठी हैं। अभी हम जा रहे हैं दीवाने खास के अंदर। चलो दो दीवाने खास हॉल, आप देख सकते हैं कितना प्यारा है ये, यहाँ का दीवाने खास हॉल है, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी कलाकारी की गई है इसके अंदर। ये सीढ़ियाँ हैं जो जाती हैं दीवाने खास। तो गाइज आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा रास्ता है ये, खुफिया रास्ता है ध्रुव का, कितना अच्छा व्यू आप देख सकते हैं। सारी क्वीन तो यहीं घूमनी है, चारों तरफ देख सकते हैं कितना बढ़िया दृश्य है। अभी हमें दीवाने खास के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, और यहाँ से क्या जो आगरा का व्यू है वो बहुत ही साफ दिखाई देता है, तो आप जस्ट वीडियो बने रहें। तो गाइज मैं अभी आपको यहाँ से दिखाता हूँ जो यहाँ का मैन किला है उसके दर्शन। मेरे पीछे कितने सारे सैलानी आए हैं, ये नागालैंड से आए हैं लोग, देख सकते हैं कितनी भीड़ है। श्रीमती जी पूरी जगह बड़ी भाग गई है ना। मैं तो सोचा है छोटा में ये अपार्टमेंट मिल जाता मैं यहीं रह लेता, और मेरे पीछे देख सकते हैं कॉर्नर भी है यहाँ पे।
और मेरे पीछे आप भीड़ देख सकते हैं, कितनी तगड़ी भीड़ लगी, कितना यहाँ क्राउड है आज, तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे गाइज जहांगीर अपनी फैमिली के साथ रहते थे इस लोकेशन में, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लोकेशन थी। आप देख सकते हैं नमुना नदी के तट के किनारे बसा हुआ रेड फोर्ट, और रेड फोर्ट से ही लगता हुआ समथिंग 1 किलोमीटर की दूरी पर ताजमहल का विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं, ताजमहल को रेड फोर्ट से। और ये मैं ताजमहल से आपको रेड फोर्ट दिखाऊंगा। वीडियो बने हुए हैं, आप यहाँ भीड़ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ लगी है, लोग यहाँ आए पड़े हैं दूर दूर से। कितना प्यारा दृश्य है ताजमहल का। आप लोग से मैं अनुरोध है, आप जरूर आएँ आगरा कभी, जो भी यूट्यूब फैमिली है जो हमारे देश से हैं, बाहर से लोग देख रहे हैं, वो पक्का कभी इंडिया आए तो आगरा में ताजमहल घूमने जो रहे हैं, लाल किला आके पक्का देखें। देखिए यहाँ से देख सकते हैं कितना प्यारा दृश्य है, और ये रेड फोर्ट के टॉप ऑफ से सामने ताजमहल है, आप देख सकते हैं ब्लॉग में ये कितना प्यारा दृश्य दिख रहा है ताजमहल का। अभी हम थोड़ी देर के बाद चलेंगे ताजमहल, और ये है हमारा रेड फोर्ट जहाँ पर हम अभी खड़े हैं, ये हमारी ऑन पोजिशन है। तो फ्रेंड्स अभी मैं हूँ रेड फोर्ट पर, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे का जो पूरा दृश्य रेड फोर्ट का, मैं टॉप ऑफ पे खड़ा हूँ उस समय रेड फोर्ट के, यहाँ का भीड़ देख सकते हैं। और मेरे ठीक पीछे वो देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, मेरे ठीक पीछे ताजमहल, बिल्कुल रेड फोर्ट के टॉप से दिखता है ताजमहल, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अभी हम वहाँ पर भी जाएंगे, मैं आपको वहाँ के भी दर्शन कराऊँगा। तो आप बस ब्लॉग में बने रहें, वीडियो में बने रहें, आप कहीं ना जाइए, और वीडियो में अंत तक बने रहें, और वीडियो को बिना स्किप करे ज़्यादा से ज़्यादा देखें। कितना प्यारा दृश्य है लाल किले के अंदर का, आप जरूर आएँ यहाँ पे। आपका अगर कभी आपका प्लान बनता है अगर घूमने का, तो आप यहाँ इस बेस पे जरूर आइएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। भाई मैं आपको बहुत चीज़ दिखाने वाला हूँ वीडियो में, आप जस्ट बने रहें, एंड ब्लॉग को बिना स्किप करें कंटिन्यू देखें, तो आपको आज कुछ ज़्यादा मज़ा आने वाला है ब्लॉग में। ये है आगे शाही हमाम, जो एक उनके गुसल खाना भी कहते थे, उनका ये जलापूर्ति व्यवस्था इसके अंदर है जो बंद किया गया है। यहाँ पे कुआं था जहाँ से पूरे के पूरे किले के अंदर पानी सप्लाई हुआ करता था, तो ये है उसका इतिहास, आप देख सकते हैं। तो क्या अभी हम वापस जा रहे हैं रेड फोर्ट से, आप देख सकते हैं कि कितना क्राउड है, जैसे टाइम बढ़ता है वैसे यहाँ क्राउड बढ़ता जा रहा है। ये देखिए आप, ये ऊपर को जाते हुए हैं और हम एग्जिट हो रहे हैं फिलहाल, तो काफ़ी क्राउड हो चुका है। अभी धूप है, इतनी तगड़ी धूप है कि मैं बता नहीं सकता हूँ, बट क्राउड में कोई कमी नहीं है। अब देख सकते हैं कि कितना क्राउड आ रहा है मेन एंट्रेंस गेट से, यहाँ का लास्ट एंट्रेंस गेट है जहाँ पे टिकट वगैरह चेक होता है। काफ़ी क्राउड है आज, इतनी गर्मी है, उस गर्मी में भी लोग डॉक्टरों को देखने से नहीं हट रहे। फ्रेंड्स इधर है शुद्ध वाटर, तो हम जा रहे हैं थोड़ा पानी पीने के लिए, क्योंकि हमने वाटर पर आज कैरी नहीं करी है, तो बच्चे भी काफ़ी मतलब थक चुके हैं, इस फीलिंग वेरी, देख सकते हैं यहाँ शुद्ध पानी, फाइव ड्रिंकिंग वाटर, तो बच्चे को पानी पिलाते हुए देख सकते हैं। ये सामने है मेन एंट्रेंस गेट जहाँ से अभी हम आउट होंगे, और जो लोग आ रहे हैं वहाँ से आ रहे हैं अपने यहाँ पे टिकट चेक कराते हैं, टिकट चेक करने का एंट्री होती है, और ये रूट सीधा यहाँ से होता हुआ जाता है अंदर की तरफ। तो अभी हम फिलहाल हो रहे हैं एग्जिट रेड फोर्ट से, क्योंकि टाइम हो चुका है काफ़ी, 12 बज चुका है, तो अभी हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, और हम जाएंगे थोड़ी देर बाद ताज पैलेस, क्योंकि बच्चों को लग चुकी है प्यास, और हमने बाटर वाटर कैरी नहीं की थी, तो बच्चों को पानी पिला के फिर हम यहाँ से निकलते हैं। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें, हम थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपके इसी ब्लॉग में कंटिन्यू। ये अपने इंडिया की शान, हमारा तिरंगा झंडा लहराता हुआ शानो शान से आप देख सकते हैं, और ये हमारे रेड फोर्ट्स का फ्रंट एरिया जहाँ से हम मतलब फ्रंट एरिया में मेन हाईवे है, मेन चौराहा है, महाराणा प्रताप चौराहा जहाँ से हम एंट्री करते हैं, और ये है पूरा रेड फोर्ट का विहंगम दृश्य बाहर से। ये आउटसाइड से है पूरा दृश्य यहाँ का, आप देख सकते हैं। और यह है यहाँ का बुकिंग काउंटर जो मतलब हाईवे के जैसे बगल में ही है, जहाँ से आपको टिकट लेना पड़ता है रेड फोर्ट के अंदर घूमने का। तो दोस्तों अभी हम निकल रहे हैं रेड फोर्ट से ताजमहल के लिए, बहुत ही ज़्यादा क्राउड है आप देख सकते हैं, इतनी भीड़ है, और भीड़ के साथ साथ धूप के मारे तो हाल बहुत ही ज़्यादा खराब है।
ताज वो मेरे कुछ नहीं महल की ओर जाता हुआ और हम ताजमहल का अग्रसर हैं। मिलिट्री कैंप ये मेरी बीवी हमें इंसल्ट करती रहती है, तो अभी जाए दोस्तों तुम्हें चाहिए ताज के अंदर और ये ताज है हमारा रास्ता जा रहा है ताज पैलेस को। आप लोग वीडियो में बने हुए बस कुछ ही देखा उसे ताज के अंदर एंट्री करेंगे। दोस्तों देखो आप मौकी भी मेरी पीछे है, मौकियाँ बैठे हुए हैं। बुला लो एक जब बुला लो। तो गाइस ये यहाँ का ताज महल से पहले टिकट घर आप देख सकते हैं लाइन लगी हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पे लेडीज टिकट 50 रुपये, जेंट्स का भी 50 रुपये पर उसका है। तो 1300 तो गाइस टिकट ले लिया अपना। ये हमारा टिकट मेस टोकन है, फाइनल में टिकट ले लिया है और हम जाने के लिए अंदर रेडी हैं। ये है टिकट्स ना टोकन है, तो हम अब यहाँ लाइन लगानी पड़ेगी हमको, लाइन लगाने के बाद हम जाएंगे अंदर। तो आप वीडियो में बने रहें। तो फ्रेंड्स मैंने ले लिया था स्टैचूज जो अंदर जाने के जाने नहीं दे रहे हैं इसको लेकर के, तो इसको मैं यहाँ पर जमा करूँगा लॉकर में। मेरे ठीक पीछे लॉकर है, ये लॉकर है, तो मैं यहाँ पे इसको जमा करूँगा, उसके बाद ही मैं अंदर कर पाऊँगा। तो मैं पहले से जमा करूँ फटाक से, फिर आगे निकलते हैं हम। गाइस फाइनली हमको ताजमहल के गेट के अंदर एंट्री मिल चुकी है, सामान डिपॉजिट हो चुका है, टोकन हमने चेक करवा लिया है और यह है यहाँ का एंट्रेंस गेट मेरे पीछे, यहाँ से हम अंदर आ चुके हैं। तो हम यहाँ से आएंगे आगे को ताजमहल की तरफ। आप वीडियो बने रहे, मैं आपको दिखाता हूँ क्या सुंदर सुंदर। तो गाइस ये है, आप देख सकते हैं कितनी कितना क्राउड है यहाँ पे, और यह है ताजमहल के अंदर का दृश्य, कितना प्यारा दृश्य आप देख सकते हैं, ये देखिए। फाइनली दोस्तों इंतजार ख़त्म हुआ और यह है ताजमहल का मेन गेट, जहाँ के अंदर हम जाएंगे और फिर सीधे हम ताजमहल का दीदार करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्राउड कितना है, चाहो तो आपको सिर्फ क्राउड ही क्राउड दिखाई देगा, देखिए आप चाहो तब देखिए क्राउड ही क्राउड है, कितना प्यारा दृश्य है यहाँ पे। तो अभी हम इसके अंदर जाएंगे, जाकर हम आपको मिलते हैं, आप वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों फाइनली हम इसके अंदर घुस चुके हैं, एंटर कर चुके हैं मेन गेट पे, आप ऊपर देख सकते हैं कितना प्यारा दृश्य, आप चाहो तो देख सकते हैं। और ये है फाइनली वो जगह जहाँ हम आए हैं, प्यार का एक नया ताजमहल देख सकते हैं, कितना क्राउड है यहाँ। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं ताजमहल के अंदर और ये देखिए मेरे पीछे प्यार की निशानी ताजमहल आपको मेरे पीछे दिखाई देगा। तो मैं उसके और नज़दीक जाता हूँ, नज़दीक आकर दिखाता हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहें। चलो रुको, देख सकते कितना क्राउड मेरे पीछे, कितना क्राउड है पीछे, वो है एंट्रेंस मेन गेट जहाँ से हमने एंट्री करी है, इतना क्राउड है बताएं, चारों तरफ जहाँ भी देख लें वहाँ भीड़ ही भीड़ है। और मेरी ताजमहल में मेरी मुमताज ये मेरे संग आई हुई आज, थक गई ऐसी फीलिंग सो टायर्ड, लेकिन क्या करें धूप बहुत है, लेकिन धूप में घूम रहे हैं आज, आए हैं देख सकते हैं सब। देखिए ताजमहल साहब को कैच करें अपने हाथों में, मेरी फिर देख सकते हैं फोटोग्राफर, तो बहुत ही अच्छा दृश्य। तो गाइज मेरे मोबाइल की बैटरी हुई है ख़त्म और मैं दूसरे मोबाइल से ब्लॉग बना रहा हूँ, तो थोड़ी क्वालिटी डाउन हो सकती है, लेकिन आप लोग आनंद लीजिए क्राउड का। ये देखिए हमारे मुमताज हमारे सामने बैठी हैं, कितनी भीड़ आप देख सकते हैं, सब सेल्फी का क्रेज, फोटो खींचने सब माहिर, सब मस्त हुए पड़े हैं, कितनी बढ़िया वो है। अभी थोड़ी मेरी वीडियो की क्वालिटी ख़राब हो सकती है क्योंकि मेरे मोबाइल की वीडियो खत्म, बैटरी ख़त्म हो गई है। तो फ्रेंड्स हम बिल्कुल ताजमहल के बिल्कुल नज़दीक जाके आपको मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, तो जो लोग दूर दराज बैठे हैं प्रदेशों में तो वो भी देख सकते हैं प्यार की निशानी जो शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था मुमताज की याद में। देख सकते हैं आपकी कितनी खूबसूरती को उसने से तराशा था,
तो भाई आप क्राउड देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे, इतना क्राउड है कि मैं बता नहीं सकता, आप खुद देख सकते हैं क्राउड यहाँ का। तो भाई ये है मेरा ब्लॉक का और इस ताजमहल का सेकंड ईस्ट वेस्ट कॉर्नर है, यहाँ से भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। कोशिश करूँ कि मैं आपको हर जगह से हर एक कोने से आपको दिखा सकूँ ताजमहल और ताजमहल की खूबसूरती। तो मेरी जो मेहनत है उसको जाया मत जान देना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, और अगर और कोई भी आप चाहते हो कि मैं उसका ब्लॉग बनाऊँ किसी टूरिस्ट प्लेस है उत्तराखंड में या यूपी में, तो बताइए कमेंट बॉक्स में, तो मैं ट्राई करूँगा कि वहाँ भी जाकर आपको दिखा सकूँ। बाकी आप क्राउड देख सकते हैं यहाँ का क्राउड कितना ज़्यादा है। अच्छा, अभी ये जो रूट है ये है हमारा जनरल टिकट का, और ये जो ऊपर वाला रूट है इससे हम सीधा यहाँ से जा करके ऊपर जाएंगे, ताज के ऊपर जाएंगे मकबरा देखने के लिए। तो वहाँ का टिकट यहाँ पे एक्स्ट्रा देना पड़ता है, 150 रुपीज़ उसका एक्स्ट्रा चार्ज है, 150 रुपये उसका एक्स्ट्रा चार्ज है। 50 रुपये का आप टिकट लेते हो तो आप सिर्फ उसकी चारों तरफ घूमेंगे। तो गाइज अभी मैं थोड़ा कर रहा हूँ अपनी मुमताज़ जी के साथ मस्ती, आप देख सकते हैं मैं इतनी धूप है, हम जितना अच्छे से अच्छा सोचा आपको दे सकूँ, ब्लॉग दिखा सकूँ, आपको हर एक जगह से हर एक कोने से दिखा सकूँ ताजमहल के दर्शन, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जरूर करना, शेयर करना, लाइक करना और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। मैं और भी नज़दीक जा रहा हूँ ताज के, देखिए बिल्कुल मैं नज़दीक आ चुका हूँ, उस समय मेरे पीछे ताज है और मेरी मुमताज़ मेरे साथ है, बच्चे जा चुके हैं आगे फ्रेंड के साथ। तो मेरी पूरी यही कोशिश है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा दृश्य दिखा सकूँ। और देखो मुमताज़ भी पास में आ गई है, तो आप बिना स्किप किए वीडियो देखना और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और आपको ब्लॉग कैसा लगा। और अगर आपको कुछ और भी चाहिए और चाहते हैं कि आपको कहीं और भी मैं जगह दिखाऊं, तो मैं कमेंट बॉक्स में बताना, मैं वहाँ भी जाऊँगा, अभी छुट्टी पर हूँ मैं, तो वहाँ का ही ब्लॉग बना करके आपको दिखाऊँगा। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं ताजमहल के साउथ सेक्शन में, जहाँ पे यमुना नदी का किनारा दिखाई देता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, मैं आपको जल्दी से ले चलता हूँ यमुना नदी का भी, आपको मैं एक बार व्यू दिखा देता हूँ। ये हमारे दो ढीले ढाले इंसान बेचारे थक चुके हैं, ये देखो पैरों में दर्द हो गया है बेचारे, क्या करें देख सकते। अरे पैर गला सब दबा दूंगा, चिंता मत करो, चलो गला तो बाद में देना, पैर पहले दबाना। तो दोस्तों लोग वीडियो बने हुए, आपको मैं यमुना नदी का एक कॉर्नर दिखाई देगा, आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये है यमुना नदी का विहंगम दृश्य, जो बिल्कुल ताज महल के बगल से होकर निकलती है, आपको दिखा दूं मैं। और ये है हमारा ताजमहल। तो गाइस फाइनली आज का जो मेरा ब्लॉग था ताजमहल और लाल किला के दर्शन का, वो मैंने आपको दिखा दिया ब्लॉग मैंने। अब मैं इस ब्लॉग का करता हूँ यहाँ पे अंत, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ब्लॉग आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाय, टेक केयर। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए।